फाइंड द एच सी एफ बाई डिविजन मैथड। तो एच सी एफ का मतलब सभी को पता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि डिवाइड और एच सी एफ में फ़र्क क्या होता है, डिवाइड और एच सी एफ में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड एच सी एफ। तो हम एक ही सम को ले रहे हैं, जैसे 9 इज़ डिवाइडेड बाई 2 और 9 इज़ डिवाइडेड बाई 2 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एच सी एफ। तो कैसे करेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें 9 आ जाए, 9 नहीं आता लेकिन 8 आता है कितनी बार में, 4 बार में, 2 4 8, ऐसे करते हैं ना, कितना बचा 1, 9 में से 8 गया 1 बचा, ये रिमाइंडर हो जाता है। फिर हम क्या करते थे, पॉइंट लगाते थे और 0 बढ़ाते थे। 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बार में आता है, 5 बार में, 2 5 10, 10 में से 10 गया 0 या कट्टम। तो डिवाइड में तो ये करते हैं भाई, हमारा आंसर आ गया पॉइंट में, सवाल ख़त्म हो गया। लेकिन एच सी एफ में क्या करते हैं, 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता लेकिन उससे कम 8 आता है कितनी बार में, 2 4 8, उसके जस्ट करीब वाला लेते हैं, आता तो 2 3 6 भी है लेकिन एकदम करीब वाला, 2 5 10 नहीं करते हैं, बस उसके आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। 9 में से 8 गया बचा 1। अब यहाँ पे और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ के बाद हमने क्या किया था, 1 बचा, तो यहाँ भी पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा के 0 नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइज़र बना देते हैं। जैसे 2 डिवाइज़र था, 9 डिविडेंड था, ये क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर बचा था, यहाँ भी यही चीज़ थी, 2 डिवाइज़र 9 डिविडेंड, 4 क्वेश्चन और 1 रिमाइंडर। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर बचा है उसको डिवाइज़र बना देते हैं, और ये जो डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाता है, यानी कि अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे फिर से कर देते हैं। अब 1 का टेबल कितनी बार बढ़ा, 2 आ जाए, तो 1 2 2, क्लियर है। अब यहाँ पे जब 2 में से 2 गया 0 बचा। अब देखिए दोनों के आंसर में भी फ़र्क होता है, इसमें डिवाइड में हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, डिवाइड के केस में जो हमारा आंसर होगा, अगर कोई पूछे आंसर क्या है, तो ये आंसर है 4.5, जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। लेकिन एच सी एफ के केस में जो हमारा आंसर होता है, जो लास्ट में डिवाइज़र बचता है, ये तो छोटा सा सवाल था तो इस तरह से हो गया, जो लास्ट में डिवाइज़र बचेगा, यानी कि ये डिवाइज़र यानी कि इधर वाला नंबर है ना लास्ट में, ये नहीं, ये जो और नीचे आता यही जो रिमाइंड जो नीचे बचता डिवाइज़र लास्ट वाला, वही आंसर हो गया। तो हमारा एच सी एफ क्या होगा, ये 1 हो गया, ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ ना, ये हुआ है, बल्कि ये हुआ है आंसर एच सी एफ में, क्लियर है। तो ये फ़र्क था एच सी एफ में और डिवाइड में।